हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके अगले 24 घंटे कैसे जाने वाले हैं, क्या होने वाले हैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या गाइडेंस है हमारे पास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, मेष राशि वालों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट फील कर सकते हो। थोड़ी सी आज बोरियत फील हो सकती है, बोर्डम फील हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कुछ यू नो कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली है। और आपको साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर की दुनिया से, एक्सटर्नल सिचुएशन से, एक्सटर्नली लोगों से सोशलाइज करने से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अगर हो सकता है तो आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अगर हो सके। अगर आप मम्मी के साथ नहीं कर सकते हो तो आप काली माँ के मंदिर में जाके, या कहीं पे भी आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा मदर वाली फीलिंग आई, नेचर में या कहीं पे भी, आपको डेफिनेटली वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है अपना सबसे ज़्यादा। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या है। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो कहीं ना कहीं कोई ट्रुथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई रियलाइजेशन, कोई अवेकनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से वेट किया है इस चीज़ का, चाहे वो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कोई डील हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है। तो वो जो वेट है वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, फाइनली मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, आपको सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, अलायंसेस बन सकते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको थोड़ी सी विजडम, थोड़ी सी बुद्धि की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस लाने के लिए या कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए, ओके। इवन दो मुझे आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी माइंडसेट से चलोगे कि हाँ मेरे उसमें तो ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप प्रोकैस्टिनेट करने लग जाओगे। आप अपने खुद के हाथों से अपनी खुद की डेस्टिनी को, अपने खुद के कर्मों को खराब कर दोगे। सो दिस इज़ हाई टाइम कि आप एक सही इंसान से एक एक एडवाइस लो, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उन सब चीज़ों को लेके आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटोरशिप की नीड है मिथुन राशि। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कर्क राशि। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में कर्क राशि के लिए आपके थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, इमोशनली ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। और ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जब हमें नॉस्टैल्जिक फील होता है, हम किसी को मिस करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो हमें लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हो गया, वो चैलेंजेस क्यों आ गए, या हम इस चीज़ को ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते थे, वैसे कर सकते थे, पहले कितना अच्छा था। तो वो पहले वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। मेमोरीज याद आ सकती हैं, किसी की याद आ सकती है, किसी फैमिली मेंबर की भी याद आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपका हार्ट चक्र काफ़ी अवेकेंड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दो, चाहे वो आपके फैमिली के हैं या रोमांटिकली किसी के साथ आप कभी इन्वॉल्व थे एंड अभी भी ग्रज है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप अपने गिले शिकवो को मिटाओ। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सिंह राशि वालों के लिए आपकी प्रॉस्पेरिटी को लेके मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, वेल्थ वाली एनर्जी। स्पेशली अगर आपने काफ़ी टाइम से किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी चीज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, टाइम इन्वेस्ट किया है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट टाइम, अगर आपने काफ़ी टाइम से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसमें अब आपको जीत मिलने वाली है, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। उसमें जो भी आपका गोल था, जो भी आपका ड्रीम था, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये डेस्टिनी का पार्ट था, तो वो जो डेस्टिनी है अब वो अनफोल्ड होने वाली है आपकी बहुत जल्दी।
और आने वाले 2 से 3 दिन भी आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, मतलब आप समझ लो 10th फेब तक, ऑलमोस्ट 10th फेब, और इनफैक्ट आई वुड से 17th फेब तक, ठीक है, 10th फेब से लेके 17th फेब तक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा प्रॉस्पेरिटी को लेके, फाइनेंसेस को लेके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों को लेके आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग यू नो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है अपनी फाउंडेशन को लेके। अब जो आपकी फाउंडेशन होती है, जो आपके सर्वाइवल नीड्स होती हैं, वो क्या होती है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी एक फैमिली हो गई, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, ये जितनी भी चीज़ें जो आपको आपका एक ग्राउंड सेट करती है, वहाँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। वहाँ आपको समझ आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, कैसे आपको अपना वो एक ग्राउंड बनाना है, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और आप बहुत स्ट्रांगली मुझे वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, एकदम फुल पावर में अपने यू नो एकदम, एक होता है ना कि हमारा फोकस एकदम यहाँ होता है तो हम बस उसी डायरेक्शन में जाते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होते, तो आगे का तो पता नहीं, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में तो आपकी एनर्जी ऐसी ही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि। लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इवन दो आप काफ़ी ट्राई करने वाले हो कि यू नो आप बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, और आप काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, आपके पास पावर है, ये है वो है, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन आती है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई टेम्पटेशन आ जाती है आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू हो, किसी काम को लेके हो, कुछ गलत काम हो या कुछ भी, आप ऐसे फिसल जाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी इस डिस्ट्रैक्शन वाली हैबिट का, कि जहाँ पर वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको इस चीज़ के ऊपर वर्क करना है और आपको इस चीज से निकलना है तुला राशि। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी शैडो साइड बाहर आ सकती है। मतलब शैडो साइड वो चीज़ होती है जो हम दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, हमारी वो साइड, और जो हम अपने आप को भी नहीं दिखाना चाहते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, तो वो इंस्टिंक्ट्स आ सकते हैं, वो ट्रेट्स बाहर आ सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं जिससे आप अपने आप को और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, और पेशेंस के साथ रहना है। दूसरी चीज़, अपने आप को नर्चर करना है। थर्ड, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको कोई विजडम दिया जा रहा है, आपको कोई लेसन दिया जा रहा है, कोई सीख दी जा रही है, ओके, और हो सकता है कि ये आपके थ्रू नहीं, किसी और पर्सन को मिलते हो और आपको ट्रिगर होता है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया या कुछ भी ऐसा, लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा आपके ब्लू बाल है तो आप नहीं बिलीव करोगे ना, अगर आपके ब्लैक होंगे तो। अगर हमें कुछ भी ऐसा होता है कि हमें ट्रिगर करता है, तो मतलब वो ट्रिगर है हमारे अंदर, इस वजह से वो ट्रिगर कर रहा है, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा वर्क करने की नीड है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए मुझे एक अच्छा काफ़ी यू नो सेलिब्रेशन वाला माहौल दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप रीयूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने दोस्तों के साथ। इनफैक्ट कुछ आपकी कंपनी में, मतलब आपकी सराउंडिंग में कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप अपनी यू नो कुछ भी बात कर सकते हो, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो आप शेयर कर सकते हो, आपको कोई डिसीजन लेने में इशू होता है, कोई चॉइस बनाने में इशू होता है, वो आप शेयर कर सकते हो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों से, फैमिली से, जो भी आपके अपने हैं उनसे अच्छी सजेशंस मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल बायसनेस नहीं है, किसी टाइप का कोई छल कपट या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस फॉर यू। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। ओके, मकर राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी मटेरियल हार्वेस्ट का टाइम है, ठीक है, ये एक ऐसा टाइम है। ऑल्सो उससे पहले, कंटिन्यू करने से पहले, 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपका स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है। काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी आपको इमोशनली ऐसा फील हुआ है कि यू नो एक
इमोशनल लॉस हुआ है, या आपको सही से समझा नहीं गया, आपको जस्टिस नहीं मिला, या कुछ भी ऐसा, चाहे आप मांगो या ना मांगो, उस चीज़ में आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखेगा, एक्सपीरियंस करोगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए मटीरियल हार्वेस्ट तो मुझे दिख ही रहा है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग पोजिशन होने वाली है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहला तो ये कि 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे कुछ डिसेप्शन और एनवी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको पेशेंस और प्लानिंग के साथ चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको एकदम से किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना। आप लोगों की ग्रोथ को लेके मुझे एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई या तो कुछ डिसेप्शन इन्वॉल्व्ड है, या कोई आसानी से आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, या कोई आपसे एनवीएस फील कर रहा है। एनवी वाली एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो इस एनर्जी से आपको बच के रहना है और थोड़ा ध्यान रखना है, कोई डिसीजन नहीं लेना, आराम से पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी मेथड के साथ आपको चलना है आगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो सोलर प्लेक्सस होता है हमारा, जिसको हम मणिपुरा चक्र बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आप वर्क करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी अपनी फैमिली के लिए या एक अपनी जनरेशन के लिए आपको कुछ करना चाहिए, और आप कुछ करोगे भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, बट मेरे को काफ़ी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, भगवान की साइड से काफ़ी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। अगर आप सन सैल्यूटेशन करते हो या सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो या कुछ भी, तो उससे आपको जो यश होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आपकी जो लीडरशिप पोजिशन होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, शौर्य मिलता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक स्पेसिफिक मैसेज है। ये हर किसी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को आगे लेके कुछ आप कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, मे बी आपके पार्टनर का भी। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।